सो गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म यानी कि बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म यानी कि मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जाएंगे। तो इस मूवी की कुछ ना कुछ जगह पर एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है एंड फुल फ्लैश मोड में अभी तक नहीं हुई है। लेकिन गाइस, जहां जहां भी हुई है इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू, वहां पे इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ डाला है एंड पूरी तरह से फ्लैश मोड में, ये पूरी तरीके से सिंगल स्क्रीन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में पूरी तरह से दमदार एडवांस बुकिंग करती हुई नजर आ रही है। जहाँ तो लगभग 420 शो इस मूवी के करंट शेयर में अभी तक खोले गए हैं एंड गाइस, बहुत ही धमाकेदार इस मूवी से रिस्पॉन्स आ रहा है। एडवांस बुकिंग में बहुत ही अच्छी खासी इस मूवी की होती हुई नजर आ रही है। एंड गाइस, हम बात करते हैं इस मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। लगभग गाइस, इस मूवी की एडवांस बुकिंग जहाँ तक अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, लगभग 7.5 से लेकर के आसपास तक इस मूवी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड गाइस, ये आने वाले वक्त में यानी कि आज रात तक इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग वो पूरी तरह से जंप मारती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही फुल फ्लैश मोड में अभी इस मूवी के स्क्रीन भी और शोज भी खुलेंगे। एंड गाइस, ये मूवी का धमाका पूरी तरह से 10 अप्रैल को देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो रिलीज होने में मूवी को अभी भी 6 दिन बाकी है। एंड गाइस, ये आंकड़ा करोड़ों में जाएगा, बहुत ही जल्द जाएगा। एंड देखना दिलचस्प होगा स्पीड कितने से इस मूवी की पकड़ी जाएगी। एंड गाइस, ये मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन यानी कि एडवांस बुकिंग में क्या शैतान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या फिर नहीं तोड़ पाएगा। जी हाँ, तो अजय देवगन के फैंस अब फ्रंट मूड में भी आ चुके हैं। एंड गाइस, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी बड़ी मूवी के साथ इस मूवी का क्लैश भी है। एंड गाइस, पूरी तरह से एक ऐसी मूवी होने जा रही है जिससे कि ऑडियंस इंगेज होगी एंड पूरी तरह से अटैच कर लेगी। एंड देखना दिलचस्प होगा अब ये मूवी आंकड़ा कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं। जी हाँ, तो देखना दिलचस्प होगा अब ये मूवी क्या 200 करोड़ का आंकड़ा छुएगी या फिर नहीं छू पाएगी। कमेंट सेक्शन जरूर था दोस्तों, आप लोग इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, कितने नहीं, कमेंट सेक्शन जरूर था। मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।